हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल शिकस्त-ए-दिल। इसको तहरीर किया है मरियम गफ्फार ने। तो चलें पढ़ते हैं नावल के एपिसोड 9 की तरफ। सारी शक्ल खराब कर दी है मेरी। डॉक्टर जबरान के प्लास्टर कब तक खुलेगा यार? बहुत तंग किया हुआ है इसने। 3 दिन से नहाया नहीं हूँ मैं। सुबह 7 बजे वो बकाया नाश्ता किए हाथ मुंह धोकर अस्पताल पहुंच गया था। सायरा बेगम और सफिया बेगम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो नहीं रुका। इसकी सबसे बड़ी वजह थी शकील साहब की नाराजगी, जो 3 दिन से हनुस बरकरार थी। उस पर अनम और मरवा का खिंचा खिंचा रवैया, जो उसे इतना नहीं बुरा लगा था, मगर अनम भाभी का अपने बच्चों को उसे दूर करना उसे बहुत खिला था, जिस वजह से वो घर पर रुकना नहीं चाहता था। यहाँ आकर ही उसने नाश्ता किया था, अपनी ड्रेसिंग करवाई थी। डॉक्टर जिब्रान उसकी ड्रेसिंग करके हैंड वॉश करने गए थे, नर्स भी वापस चली गई थी। जब अपनी पेशानी पर फैली पट्टी देखता वो मिरर के सामने खड़ा होता बोल रहा था, 2 दिन और रुक जाए डॉक्टर जवाब, ये उतर जाएगा इंशाल्लाह। जवाब की बात पर मुस्कुराते हुए डॉक्टर जबरान ने उसे नफी में सर हिलाते हैरत से उसे देखा था, जो बहुत ही एहतियात से उनकी ड्रेसिंग खोल कर अब खुद कर रहा था। मे आई कम इन? यस यस डॉक्टर हसन, कम इन। डोर नॉक करता वो थोड़ा सा अंदर झांकता गोया हुआ, जब उसे देखते डॉक्टर जबरान मुस्कुराए थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, अदब से सलाम करते अहसन ने मिरर के सामने खड़े जवाद को देखते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश की थी। गुड मॉर्निंग, मुस्कुराकर कहते हैं डॉक्टर जबरान ने जवाद को देखा, जो अपने काम में इतना मगन था कि उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। यार डॉक्टर जबरान, कुछ भी करो, ये प्लास्टर उतारो मेरे जिस्म से। सबसे पहले उलझन हो रही है मुझे। हाथ ऊपर उठाता वो दर्द से बिलबिलाते हुए बोला, और वही हैरत से अहसन ने डॉक्टर जबरान को देखा था, जो उम्र में 40-45 साल के थे। यह अलग बात थी, वो देखने में लगते नहीं थे, मगर कभी किसी ने उनसे ऐसे बात नहीं की थी जैसे वो कर रहा था, जैसे वो डॉक्टर जिब्रान के स्कूल का दोस्त हो। जवाद, इनसे मिलो, डॉक्टर एहसन शाह। अपने सर पर लगी बैंडेज सेट करते जवाद को देखकर उसकी बातें सुनते डॉक्टर जिब्रान ने मुस्कुराते हुए सामने खड़े डॉक्टर एहसन को देखते तारुफ करवाया था। आज वो 3 दिन की छुट्टी के बाद यहाँ पहुंचा था, जाती मसरूफियत का कहकर एहसन 3 दिन से छुट्टी पर था। आज जब वापसी हुई तो वो डॉक्टर जबरान के कैबिन में गया था, मगर उन्हें वहां ना पाता वो वार्ड बॉय से पूछकर डॉक्टर जवाद के कैबिन में आया था। डॉक्टर एहसन वही जो कैंप पर गए थे हुरिया के साथ? एहसन का नाम सुनता वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ, हाँ वही जी। वेलकम बैक डॉक्टर एहसन, रूई जैसा सफ़ेद और क्या लड़कियां होंगी, इतना नाजुक और खूबसूरत के लड़कियां भी उसे देखकर रुके और मर्द की भी नीयत खराब हो। मुनीब और अली की बातें याद करता उसे देखने के लिए उजलत ने मुड़ा था, मगर सामने खड़े एहसन को देखकर वो लब दबा गया। ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने वो सफ़ेद कोट बाजू पर डाले बगैर जेल से सेट किए बाल दराज कद सुर्ख वो सफ़ेद दूध सी रंगत खड़े नक़ोश बिलाशुबा वो हैंडसम नौजवान था, मगर उसकी कमज़ोर जिसामत देख कर वो फवाद की बातों पर यकीन कर गया, मगर अगले ही लम्हे वो अपने सर को झटकता हैरत का शिकार हुआ। एहसन, ये है जे वेलफेयर हॉस्पिटल एंड कॉलेज के ऑनर सर्जन मलिक जवाद एवान। जवाद को देखते डॉक्टर जिब्रान ने एहसन को उसका तारुफ करवाया, जिस पर वो संजीदगी से अजबात में सर हिला गया। हेलो सर, जबरन मुस्कुराते एहसन ने उसे हेलो कहते हाथ बढ़ाया था। मैं यहाँ का ऑनर और तुम्हारा बॉस हूँ मिस्टर एहसन शाह। एहसन के बढ़ाए हाथ को मजबूती से पकड़ता वह लफ्ज़ चबाता हाथ छोड़ता दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालता मुस्कुराया था। अब आप जा सकते हो और जाकर अपनी ड्यूटी दें, हकमाना लहजे में कहता वह अपनी टेबे के सामने पड़ा, और वही लब पीछे अजबात में सर हिलाता चला गया था। कैसे हैं सिद्दीक साहब, तबीयत कैसी चल रही है आपकी? वेटिंग रूम में डॉक्टर के इंतजार में बैठी वजिया बेगम ने उस मीठी सी आवाज़ पर गर्दन मोड़ते देखा, वही वो हैरत के समंदर में गोताज़न हुई थी। ब्लू जीन्स पर टी पिंक कलर की शर्ट जिसके ऊपर 3 बटन खुले थे, पेशानी पर बिखरे बाल जो उसकी पेशानी पर लगी स्टिचिंग को छुपाने की गर्ज से डाले गए थे, थकन और दवाओं से हुई सुरख आंखें जो इतनी तकलीफ के बावजूद मुस्कुरा रही थी, 7वां लंबी नाक पर रखे आई ग्लासेस जो आज सुबह ही उसे डॉक्टर सुबहान ने लगाने का कहा था जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, मीठी सी मुस्कान गुलाबी लबों पर सजाए, हाथ में चाय का मग पकड़े वो हल्का सा लंगड़ाते हुए चलता था। पेशेंट्स को देखकर उनका हाल पूछता आगे बढ़ रहा था, जहां उसे देखकर मिसेज वासिफ हैरान थी, वहीं वो उन्हें देखकर ठटक कर रुका था। ये तो वही है ना, पहले इन्हें भेज दें अंदर। ऐसे मिसेज वासिफ को देखता वो उन्हें पहचानता, दिल में सोचता संजीदगी से आगे बढ़ा। रिसेप्शन पर जाता वो इससे पहले
मिसेस वासिफ को अंदर भेजने का कहता उसे अपने कैबिन में गया था। कल रात वो डिस्चार्ज होकर घर गया था और आज सुबह से ही उसने ड्यूटी पर आना स्टार्ट कर दिया था। ये कौन था? हर रास्ते रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को देखकर वो गोया हुई। मैम, ये डॉक्टर जवाद हैं जिनसे आज आपकी अपॉइंटमेंट है। वजिया बेगम को देखते हुए लड़की मुस्कुराई। डॉक्टर एहसान और डॉक्टर अब्रिश की वजह से उन्हें काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता था। अब भी वो जवाब के कहने पर अमल करती उनका 7 नंबर से नंबर 1 कर गई थी। डॉक्टर जवाद, पर मैं तो डॉक्टर जिब्रान से दवा लेती हूँ। डॉक्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं मैम। अब डॉक्टर जवाद ही सब एक केस हैंडल कर रहे हैं। आपका केस भी उनके हैंड ओवर है मैम। मीठी सी मुस्कान से जाकर उन्हें बताती रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें उनकी फाइल थमाई थी और उन्हें अंदर जाने का कहा था। अब्रिश की तलाश में नजर दौड़ाती वजिया बेगम से कहीं भी पास पास ना पाती कैबिन के संग पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वजिया बेगम को अंदर दाखिल होते देख कर वो खड़ा होता अदब से सलाम करता मुस्कराया था। वालेकुम अस्सलाम। बैठे प्लीज, सिस्टर का बीपी चेक करें। उन्हें बैठने का इशारा करता वो खुद भी बैठ गया। उसे प्रोफेशनल तरीके से बात करते देख कर वो उसे यकटक देख रही थी। जब उनके रिपोर्ट फाइल रीड करता वो पास खड़ी नर्स से मुखातिब हुआ। जवाब का कहना था कि बीपी चेक करती नर्स को देखती वो वापस से उसे देखने लगी। आज वो फुर्सत से उसे देख रही थी। उसके बरक्स वो मसरूफ सा उनके फाइल पर झुका था। वक्फे वक्फे से वो चाय के सिप ले रहा था। जी, कैसा फील कर रही हैं आप? कितना है? खुद पर जमी मिसेस वासिफ की नज़रें महसूस करता वो मुस्कुराता हुआ उनसे पूछता नर्स से मुखातिब हुआ। सर, पहले चेक किया था तो हाई था, अब दोबारा चेक किया तो लो है। लाए मुझे दें और आप इनके लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लेकर आएँ। खुद से उनका बीपी चेक करने के लिए उठता वो सिस्टर को जूस लाने का कहता उनके बराबर में आ बैठा। क्या बात है, कोई परेशानी है? उनके सर पड़ते हाथ देख कर वो नरमी से गोया हुआ था जिस पर वो नफी में सर हिला गई। पहचान गई है मुझे? शुक्र है आप भूली नहीं है मुझे। उन्हें गुमसुम सा तकते देख कर वो मुस्कुराया था और वहीं वजिया बेगम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या मतलब? मतलब सर्जन मलिक जवाद ऐवान भूलने वालों में से नहीं है आंटी। क्या बात है, क्यों परेशान है? जिंदगी जीने के दिनों में आप परेशानी दे रही हैं। शरीर लहजे में कहता वो उनका बीपी चेक करता मुसलसल बोल रहा था। उसे सुनती मिसेस वासिफ पहली बार मुस्कुराई थी। ये हुई ना बात, नॉर्मल हो गया बीपी थोड़ा सा मुस्कुराने से। उनका बीपी चेक करता वो मुस्कुरा कर कहता उठा था। कैसे हो, तबीयत कैसी है अब? उसे मुड़ते देखकर मिसेस वासिफ ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। एहसन से उन्हें पता चला था कि उसकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई थी और अब उसकी शर्ट के खुले बटनों से नजर आता प्लास्टर, पेशानी पर लगी स्टिचिंग और चलते हुए उसकी टांग में लड़खड़ाहट देखकर वो परेशान हुई थी। अल्लाह पाक का करम है आंटी, आपके सामने हूँ, बहुत अच्छा। अगर आप बुरा ना माने तो कह सकता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ। हल्का सा सर को कम देता वो मुस्कुराया था। उसके शख्सियत से मुतासर होती वजिया बेगम अपनी बेटी के लिए खुश हुई थी। जब आज का डॉक्टर होना, इस पर उसका हर एक से मुस्कुराकर बात करना, उसके अखलाक से वो काफ़ी मुतमईन हो गई थी। और अब जिस तरह से वो उन्हें इज्जत दे रहा था वो तो अपने दामाद के लिए अपने दामाद पर निसार हो गई थी। आंटी को दें और ये रिपोर्ट कॉपी करवाएं, मेरे पास शो नहीं हो रही। उनकी रिपोर्ट नर्स को देता वो जूस का गिलास उनके सिर बढ़ा गया। किसके साथ आई हैं आप? दोनों हाथ टेबल पर रखता वो फुर्सत से गोया हुआ। अपनी बेटी के साथ। बगौर उसे देखती वो जूस का गिलास नीचे रखती बता गई। छोटी बड़ी बेटी, छोटी बड़ी बेटी के साथ। इस बात में सर हिलाता वो नहायत आहिस्तगी से कहता मुस्कुराया। मेरी एक ही बेटी है जिसका आपसे निकाह हुआ है अब्रिश। हैरत से उसे देखती वो फीका सा मुस्कुराई थी। जिससे उनकी बेटी का निकाह हुआ था वो ये तक नहीं जानता था कि वो अपनी इकलौती बेटी को उसके निकाह में दे चुकी हैं। अब्रिश, अब्रिश, अब्रिश नाम है उनका। सिरिलप नाम दोहराता वो हैरानगी से गोया हुआ। हाँ, अब्रिश नाम है। गुड, आप ये जूस लें जब तक मैं देख कर आता हूँ, रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। मिसेस वासिफ के हाँ करने की देर थी कि वो उसे देखने को बेचैन हुआ था। तभी बहाना बनाकर वो उजलत में बाहर आया था। सामने से आती डॉक्टर हुरिया को देख कर वो रुका था। उसे उजलत में कैबिन में जाते देख कर वो उसके पीछे वापस अंदर से दाखिल हुआ। कैसी हैं आंटी आप? मिसेस वासिफ के गले लगती वो खुशी से गोया हुई थी। उसे इस तरह मिलते देख कर वो आईब्रो रेज करता हैरान हुआ। सास मेरी और आप ही ऐसे मिल रही हैं जैसे सारे रिश्ते इनसे हैं। बगौर डॉक्टर हुरिया के खुशी से महकते चेहरे को देखता वो गला खंगार गया था। डॉक्टर हुरिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लहजे को कदरे धीमा रखता वो गोया हुआ। मैंने 10 मिनट की लीव ली है डॉक्टर जवाद। जवाद के संजीदा चेहरे को देखती वो आहिस्तगी से बोली।
पर मैंने लीव रिजेक्ट कर दी आपकी, शायद आपको पता नहीं है, कंधे उचकाता वो सख्ती से बोला। जवाब, 10 मिनट की छुट्टी नहीं दे सकते तुम, उसे देखते हुए वो गुस्से से बोली थी जब हुरिया को एक गैर लड़के से लड़ते देख मिसेज वासत ने उसका हाथ पकड़ा था। ये घर नहीं है डॉक्टर हुरिया, ये मेरे छोटे भाई का कैबिन है, तुम अब मुझसे बहस करोगे? मिसेज वासत को देखते हुए जवाद को देख कर रोबदार लहजे में बोली थी, जिस पर वो उसे देख कर जबरदस्ती मुस्कुराया था। अपनी नई नई सास के सामने होती इज्जत अफजाई पर वो दांत पीस गया था। 10 मिनट दे रहा हूँ आप ही, हुरिया को गुस्सा करते देख कर वो संजीदगी से कहता बाहर गया था। मेरा छोटा भाई आंटी जवाद ऑस्ट्रेलिया से आया है, मिसेज वासिफ को हैरत से तकते देख वो मुस्कुराई थी। जो लेडी अंदर हैं उनके साथ कोई था? जी सर, डॉक्टर अब्रिश की वालदा हैं। कौन डॉक्टर अब्रिश? रिसेप्शन पर आता वो उसे कहीं भी ना पाते पूछ गया था, मगर रिसेप्शनिस्ट के जवाब पर वो चौंका था। सर, डॉक्टर एहसन शाह की वालदा मिसेज वासिफ शाह अपनी बेटी जूनियर डॉक्टर अब्रिश शाह के साथ यहाँ आई हैं, और वो कुछ देर पहले ही जनरल वार्ड की तरफ गई थी। उसे ना पहचानते देख कर रिसेप्शनिस्ट ने उसे तफसील से बताया था, और वही वो हैरत से उसे अपनी पेशानी मसलता नकली में सर हिला गया। मेरी जिंदगी सिर्फ अब्रिश में उलझ कर रह गई है। अब्रिश वो जिसे मैंने किडनैप किया था, अब्रिश ही वो है जिससे मेरा निकाह हुआ, अब्रिश मेरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर और डॉक्टर एहसन की बहन अलिया मुनीर ने जिसका जिक्र किया था, अब्रिश वही लड़की है। हैरानगी से सोचता वो जनरल वार्ड की तरफ बढ़ा था, दिमाग उलझ कर रह गया था। इतना सोचने की वजह से अब उसके सर में दर्द की टीसें उठने लगी थी। वो सख्ती से आंखें बंद करता गहरे सांस भरने लगा। जनरल वार्ड से गुजरता वो कैंसर वार्ड के पास से गुजरता रुका था। ग्लास विंडो से सामने का मंजर देख कर वो हल्का सा मुस्कुराया, जहाँ वो उसकी GF के साथ बैठी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। 3 दिन बाद वो उसे देख रहा था। पहली मुलाकात में जितनी वो मेकअप में प्यारी लगी थी, उससे कहीं ज्यादा वो बगैर मेकअप के अफसरदा सी प्यारी लगी थी। उसे देख कर दिल ने बीट मिस की थी। गैर महसूस अंदाज से अपने कपड़े सेट करता वो गिलास डोर धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ, और अब उसकी मीठी आवाज़ सुनाई दी थी। आप कहाँ थी इतने दिन से? सबा के सवाल पर वो लब दबाती सोचने पड़ी। शादी में गई थी, बहुत इंजॉय किया मैंने। चंद पल खामोशी से सोचती वो ऐसा आवाज में कहती मुस्कुराई। दुल्हन कैसी थी? और दूल्हा? शादी का सुनकर अपना मास्क सेट करती सभा ने मजीद पूछा। दुल्हन खुश नहीं थी और दूल्हा जख्मी था, तलखी से कहती वो आंखों में आई नमी अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करते अभी बोल रही थी कि अचानक से सभा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट देखकर वो हैरान हुई। पिछले 10 मिनट से वो उसे इधर उधर की बातें कर रही थी, मगर वो काफी उदास थी, जिसकी वजह उसने बताई थी कि उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है जिसके लिए वो काफी फिक्रमंद है, 3 दिन से वो उससे मिली नहीं है, इसीलिए ही वो उसे बहलाने के लिए यहाँ उसके पास बैठी थी। लेकिन अब उसे मुस्कुराते देखकर वो भी मुस्कुराई थी। आप आ गए, कैसे हैं आप? खुशी से कहती सभा ने पीछे खड़े जवाब को देखते पूछा। 3 दिन बाद उसे देखकर वो खुशी से पागल हो रही थी। सभा को देखती वो हैरानगी से मुस्कुराती पीछे मुड़ी थी, और पीछे मुड़ खड़े जवाब को देखकर उसकी मुस्कुराते लब सूख रहे थे, और सुर्ख आंखों में हैरत से ज्यादा गुस्सा उद आया था। सीने पर हाथ बांध कर खड़ा वो अब्रिश को देख कर मुस्कुराया था, मगर उसके बरक्स वो कदम पीछे लेती सभा को देखने लगी, जो उसे देख कर खुशी से बेड से उतरती उसे गले लगी थी। बॉयफ्रेंड? जवाब से मिलती सभा के अल्फाज जरे लब बड़बड़ाती वो चौंकी थी, आंखों में बेयकीन से नमी उतरी थी। कैसे हैं आप? ज्यादा तो नहीं लगी, मैं कब से आपसे मिलना चाह रही थी, पर किसी ने मिलने ही नहीं दिया मुझे आपसे, कोई यहाँ से बाहर ही नहीं जाने देता मुझे। जवाब को देखती वो खुशी से कहती अफसरदा हुई, जबकि मुकाबल तो उसे सुनने से भी कासर था। यकटक उस पर ही पेकर को देखता वो इर्द से बेखबर था। 16 साल सबा ब्लड कैंसर की पेशेंट थी, जो पिछले 3 माह से जे वेलफेयर हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके वालदेन उसे ऐसा छोड़कर गए थे कि दोबारा मुड़कर उसकी खबर तक नहीं ली थी। एक हफ्ता पहले अस्पताल का राउंड करते जवान ने उसे उदास सा देखा था, और उसके बाद से वो डेली उसके उससे मिलने उसके वार्ड में आता था। उसके फ्रेंडशिप को 2 दिन ही गुजरे थे जब जवान ने खुद उसे अपनी GF बनने की ऑफर की थी, जिसे वो खुशी खुशी कबूल कर गई थी। उसके बाद वो हर रोज शाम में उसे डेट के नाम पर बाहर ले जाता, बाहर की हवा में उसे 1 घंटा घुमाने के बाद उसे वापस अस्पताल ले आता था, मगर अब पिछले 3 दिन से वो वापस बंद होकर रह गई थी। अब मैं ठीक हूँ सबा, हम शाम में बाहर चलेंगे, तुम रेडी रहना। उसके सर पर हाथ रखता वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, कदम अब्रिश के समीप बढ़ाए थे। डॉक्टर अब्रिश, ये है मेरे बॉयफ्रेंड डॉक्टर जवाद, है ना हैंडसम? जवाद का हाथ पकड़ती सभा ने अब्रिश को देखते उसका तारुफ करवाया, जिस पर वो हैरत से उसे देखने लगी थी। डॉक्टर जवाद?
मुकाबले का नाम सुनकर उसे 1 सेकंड लगा था उसे पहचानने में। कैसे ना पहचानती जिसकी आमद का शोर 6 माह हॉस्पिटल में हो रहा था, उसका नाम वो कैसे भूल सकते थे जिसके नाम से ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बना था। हैरत के समंदर में गौता जन वो मुंह पर हाथ रखती वहां से भागने लगी थी कि सामने से आते मुनीब से टकराई। अरे डॉक्टर अब्रिश संभल कर, उसे कंधों से पकड़ते हुए मुस्कुराया और वही जवाब ने गुस्से से मुठियां भींची थी। हाँ, एक एक है लड़की, वो भी इन्हीं सोनी के हाथ लाओ मैं तो मैली होंगी, लेकिन बहुत कम निकलती है बाहर, अंदर ही अंदर रहती है। ये तो जब अपने भाई के साथ घर जाती है तो देखने को मिलती है, हम बेचारों को गोरी चिट्टी है। अब्रिश पर जमी मुनी की नजर देख जवाब का खून खौला था और जहन के पर्दे पर मुकाबले के कहे अल्फाज गर्दिश करने लगे थे। आप ठीक है डॉक्टर अब्रिश? खुद को जल्दी से संभालती वो मुनीब के हाथ दूर करके झटक गई थी। अब तो किसी पर भी एतबार नहीं रहा था, यकीन पर यकीन करवा कर किसी ने बहुत बेदर्दी से यकीन तोड़ा था। सर पर दुपट्टा सेट करती वो 2 कदम पीछे हुई थी, जबकि उसे यूं इतने दिन बाद देखकर मुनीब जितना हैरान था उससे ज्यादा खुश हुआ था। उसके टकराने से दीवाना बार उसे देखता वो गहरा मुस्कुराया था। ये तो पागल है, जब बाहर निकलती है अपने डिपार्टमेंट से तो इसे ऐसे ही देखता रहता है नदी तो कितना। डॉक्टर मुनीब आप जाएं यहाँ से, उसे से दांत पीसता हुआ अब्रिश के आगे करता आगे आता गुर्राया था। क्या हुआ है डॉक्टर जवाब, गुस्सा क्यों कर रहे हो? इससे पहले कि मुनीब वहां से जाता अब्रिश उन दोनों को देखे बगैर वहां से चली गई थी। उसे जाते देख कर मुनीब ने मुड़कर उसे देखना चाहा, जब जवाद ने उसकी गर्दन पकड़ते उसका रुख अपने सिर्फ मोड़ा। उसे नहीं देखो, मुझे देखकर बात करो। मुनीब ये हॉस्पिटल है घर या फिर हमारा स्कूल नहीं, काम पर ध्यान दो। मुनीब का अब्रिश को देखना वो बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किए हुए था, जबकि दिल तो मुनीब का मुंह तोड़ने का किया था। अब्रिश ही वो लड़की थी जिसके लिए उसने मुनीब की खबासत भरी बातें सुनी थी, और अब तो वो उसकी थी कैसे किसी की उस पर नजर भी बर्दाश्त करता। वो तभी उसे सख्ती से कहता अब्रिश के पीछे गया था। ओ डॉक्टर अब्रिश कैसी हैं आप, कहाँ रह गई थी 1 हफ्ते का बोलकर आप तो गुम ही हो गई थी। ओटी से निकलते डॉक्टर जिब्रान उसे देख कर हैरत से कहते मुस्कुराए थे, जबकि उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देख कर वो चुप हुए थे। क्या बात है अब्रिश बेटा, अब्रिश की सुरख नम आंखों में देखते वो परेशानी से गोया हुए फिर अभी पीछे आते जवाब को देख कर वो मुस्कुराए थे। चले मैं आपका किसी से तारुफ करवाता हूँ, ये है जवाब। सर मैं यहाँ अपनी हाउस जॉब नहीं करना चाहती, मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। इससे पहले कि वो जवाब का जिक्र करते वो एक ही सांस में कह गई, पल भर में फैसला करती वो उन्हें जवाब दे गई थी। क्या मतलब, क्या बात है, ऐसा अब बीच में छोड़ने की बात कर रही है? हैरत से जवाब को देखते वो अब्रिश के सर पर हाथ रखते गोया हुए। कुछ भी नहीं, मैं यहाँ यही कहने आई थी, चलती हूँ। जब से कहती वो मुड़ी थी कि आंसू टूट कर गिरा था, जब अपने सामने खड़े जवाब को देखती वो मिसेज वासिफ को लेने के लिए चली गई थी। इन्हें क्या हुआ, डॉक्टर एहसन से बात करनी पड़ेगी, परेशानी से सोचे डॉक्टर जिब्रान जवाद को देखते अपने कैबिन के समीप बढ़े। मम्मा चलें घर चलते हैं, जवाद के आने से पहले वो वजीहा बेगम को यहाँ से ले जाना चाहती थी। तभी वो हुरिया को नजरअंदाज करते उनका हाथ पकड़ती उजलत भरे अंदाज में बोली, अब्रिश कैसी हो, क्या बात है, बहुत जल्दी में हो। अब्रिश की सुरख आंखों को देखती हुई हुरिया ने फिक्रमंदी से पूछा था, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मम्मा चले ना, मामू वेट कर रहे हैं प्लीज, सरसरी से जवाब देती वो मिसेज वासिफ को देखती बोली थी कि तभी कैबिन में एंटर होते जवाब को देखकर वो लब सिल गई थी। आपका टाइम खत्म हो गया डॉक्टर हुरिया, अब्रिश को देखता वो हुरिया से मुखातिब हुआ। चले आंटी अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होती है तुमसे। अब्रिश मिसेज वासिफ से मिलती वो अब्रिश को देख कर मुस्कुराती हुई गई थी। बैठे प्लीज, रुख मुड़कर खड़ी अब्रिश को देखता वो मिसेज वासिफ को बैठने का इशारा कर गया। मैं चलती हूँ, दवा एहसन ले आएगा। अब्रिश को खामोशी से आंसू बहाते देखकर मिसेज वासिफ उठी थी। पर अभी तो आपकी रिपोर्ट्स, वो भी एहसन ले आएगा। उन्हें जाने के लिए तैयार देखकर वो जो अब्रिश से बात करना चाहता था बेचैन हुआ। बात तो करती बगैर पीछे मुड़े वो मिसेज वासिफ का हाथ पकड़ती बाहर निकल गई। जब उसे जाते देख जवाब ने गुस्से से हाथ टेबल पर मारा था, उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो लड़की अब्रिश है, तुम ऐसे रिजाइन नहीं कर सकते, अब्रिश तुम्हें आना होगा वापस यहाँ, गुस्से से कहता वो गहरे सांस भरता खुद को पुरसुकून करने लगा था कि तभी बाहर खड़ी नर्स अंदर से आते शोर पर अंदर आई थी। सर आप ठीक हैं, पेशेंट को भेजो। नर्स के सवाल को नजरअंदाज करता वो नहायत आहिस्तगी से कहता अपने काम में मगन हुआ था। जी तो जनाब, अब तक के सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चल मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, अब तक के लिए इजाजत दीजिए।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।